हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द पनिशमेंट, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब वो लड़की खुद को सजा देने लगती है, वो अब कई मर्दों के साथ ज़बरदस्ती गपागप करवाती है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लूसी अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ उसके फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, पर लूसी उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि लूसी बहुत ही लेट हो गई थी। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर पहुँचती है। लूसी का फादर ये सब देख रहा होता है। लूसी जब घर में आती है तब लूसी के फादर उसे डांटने लगते हैं। वो लूसी के कपड़े कैंची से फाड़ देते हैं और उसे पनिश करते हैं और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। और वो लूसी से कहते हैं, तुम्हें 6 बजे से पहले यहाँ से हिलना नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लूसी को बहुत दुख हो रहा था। लूसी का डैड लूसी को बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से लूसी पर नज़र रखते हैं। लूसी के डैड एक पुलिसमैन थे, इसलिए वो लूसी को सुधारना चाहते थे, मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अगली सुबह फिर से लूसी के डैड लूसी के पास आते हैं और लूसी को एक टास्क देते हैं, पर लूसी उस टास्क को पूरा नहीं कर पाती और जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। और अब ये देखकर लूसी के डैड लूसी को अपनी मॉम के पास जाने को कहते हैं। तब उसकी मॉम उसके हाथ में पट्टी बांध देती है। कल रात के बाद ही लूसी का मूड बहुत ख़राब हो गया था। लूसी की मॉम लूसी का मूड ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोनों बेटियों को एक लेक पर लेकर जाती हैं, जहां वो तीनों बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। घर जाते समय लूसी कार चला रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। अब लूसी की मॉम गाड़ी से उतर कर लूसी को गाइड करने लगती हैं, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसके मॉम के ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है, जो उसी के फादर का दोस्त था। वो लूसी को बताता है कि उसकी मॉम कोमा में है और बहुत ही कम चांस है कि वो कोमा से बाहर आएंगी। फिर लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है। लूसी की मॉम कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी की मॉम के बहन के पास भेज देते हैं। लूसी की मॉम का एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत बुरा फील हो रहा था। एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश करे, पर उसके डैड मना कर देते हैं। तब वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तय करेगी तुम्हें क्या सज़ा मिलना चाहिए, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज थी और अपने डैड से भी बहुत नाराज थी। लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और अपनी फैंट फाड़ देती है, और उसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आती है जिसमें 4 लड़के थे। वो लूसी को लिफ्ट देते हैं और लूसी को बीच में बैठा देते हैं। उन 4ों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब लूसी अपनी टी शर्ट उतार देती है। यह देखकर वो 4ों लड़के हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का लूसी के अंगों को टच करने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। यह देखकर लूसी को वो 4ों लड़के गाड़ी से उतार देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेली थी, पर तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। लूसी उसको कहती है कि जब मॉम को होश आएगा तब वो वापस आ जाएगी। वो अपनी छोटी बहन से ये भी कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई थी। इसके बाद जब लूसी जा रही थी तभी उसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैक में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन था। वो लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। लूसी उसे कहती है कि यहाँ मुझे कोई काम चाहिए, पर बेन इसके लिए मना कर देता है और कहता है यहाँ का काम बहुत मेहनत वाला है और तुम ये नहीं कर पाओगी। पर लूसी कहती है मैं कर लूँगी। फिर बेन उसको फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है,
तब लूसी एक फ्रीजर रूम में जाती है। उस रूम में बेन का एक फ्रेंड काम करता था। तब लूसी उसके पास जाती है और उसको अपने साथ गपागप करने को कहती है और यह भी कहती है कि वो उसे बहुत टॉर्चर करे, पर वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है। तब लूसी उसे फोर्स करती है पर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी अपने आप को उस फ्रीजर रूम में बंद कर लेती है और उस रूम का तापमान काफ़ी कम था, इसलिए लूसी की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और उसे वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। तब बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ रूम में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब यहीं रहूँगा। थोड़ी देर बाद लूसी मान जाती है और वो दोनों बेन के घर आ जाते हैं। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहाँ वो दोनों बातों के दौरान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी के फादर को देखते हैं जो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। यहाँ बेन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उनका लूसी के डैड के साथ भी कनेक्शन था। अब ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए अगली सुबह लूसी बेन को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूसी के डैड अपनी छोटी बेटी के साथ लूसी को ढूंढने निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। अब वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को यही चाहिए था क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती थी। इसके बाद वो अपने फ़ोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख देती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहती है वो उसे फिजिकल टॉर्चर करे। इसके बाद वो आदमी लूसी के साथ गपागप करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ लूसी के डैड लूसी के फ़ोन को ट्रैक करके पहुँच जाते हैं। अब वो आदमी गाड़ी की आवाज़ सुनकर भाग जाता है और लूसी को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। तब लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। तब लूसी अपने डैड से बहुत ही नाराज थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। अब लूसी के डैड लूसी से माफ़ी मांगते हैं और लूसी को वापस घर लाते हैं। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।